हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में जो आप लोगों को नोट्स देने वाली हूँ उसका नाम है अवस्था फलन और पद फलन, ये जिसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। वेरी इजी टॉपिक है और ये जो क्वेश्चन है आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही पूछा जाता है, मुश्किल से एक या दो नंबर के लिए ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में जो है वो क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के बीच में जो है वो पूछा जाता है। तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल, इसे मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ ताकि इसे आप लोगों को रटने की जरूरत जो है वो ना पड़े। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। इसके अलावा सारे नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर में आप लोगों को काफी कुछ नए नए वर्ड जो है वो सुनने को मिलेगा। उन नए नए वर्ड को जानना आप लोगों के लिए काफी जरूरी है। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाते हो आसान भाषा में तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे अवस्था, अवस्था परिवर्तन मतलब स्टेट, स्टेट चेंजेस, सिस्टम या जिसे हम कहते हैं निकाय, इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को जानना काफी जरूरी है। उन्हीं चीजों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी ताकि जो आज का हमारा नोट्स है वो काफी आसान हो जाए और आप लोगों को जल्दी से जो है वो समझ में आ जाए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में सिस्टम के बारे में जो है वो एक्सप्लेन किया था कि सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे मैंने बॉटल में जो है वो पानी लिया हुआ है। तो बॉटल हमारा क्या हुआ? सिस्टम हुआ। बॉटल के बाहर का हिस्सा क्या हुआ? सराउंडिंग हुआ। बॉटल हमारा सिस्टम क्यों हुआ? क्योंकि हम इसमें फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे स्टडी के लिए चुने हुए हैं, इसलिए बॉटल हमारा जो है वो सिस्टम हुआ। सिस्टम के बारे में आप और भी डिटेल से लेक्चर नंबर 1 में जो है वो जान सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को मैं अवस्था के बारे में जो है वो बताने जा रही हूँ कि सिस्टम की अवस्था मतलब क्या होता है। जैसे कि ये बॉटल का पानी है, अगर मैं आप लोगों को इसे दे दूं या फिर अगर मैं इसे टेबल में रख दूं और पूछूं कि आप इसका जो बॉटल का ये जो पानी है उसका स्टेट क्या है, मतलब जो मैंने यहाँ पे सिस्टम लिया हुआ है वो कौन से अवस्था में है, तो आप लोग नहीं जान पाओगे। जब तक आप लोग उसे छूकर नहीं देखोगे या फिर उसे पकड़कर नहीं देखोगे तब तक आप लोग उसके अवस्था के बारे में जो है वो नहीं जान पाओगे कि वो कौन से स्टेट में है, कि वो बॉटल का पानी गर्म है कि ठंडा है, कि आधा भरा हुआ है कि पूरा भरा हुआ है, आप लोग उसे जो है वो नहीं समझ पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि जब तक आप लोग उसके टेम्परेचर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में नहीं जानोगे, आप लोग उसके स्टेट का पता जो है वो नहीं लगा सकते हो। अवस्था मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल वर्ड में कहूँ तो जैसे किसी पर्सन के हमें स्टेट के बारे में जानना है तो आप लोगों को क्या जानना पड़ेगा कि वो कौन से कंडीशन में है, उसके लिए उसके सैलरी के बारे में जानना पड़ेगा, कितना कमाता है, क्या करता है, कि वो पुअर है कि रिच है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको किसी सिस्टम के अवस्था के बारे में जानना है तो उसके चीजों के बारे में जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी और भी काफी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि मोल्स, इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को जानना काफी जरूरी है। तो ये होता है अवस्था। अवस्था का मतलब आप लोगों को समझ आया कि वो कौन से अवस्था में है। अब दूसरा वर्ड आता है हमारे पास अवस्था परिवर्तन या स्टेट चेंजेस। अभी मान लो ये बॉटल का पानी जो है वो ठंडा है, अब अगर मैं इसे गर्म कर दूं तो ये बॉटल का पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। अगर बॉटल का पानी ठंडा है तो वो स्टेट 1 में है, अगर बॉटल का पानी जो है वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है तो वो स्टेट 2 में चला जाएगा। जस्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए यूज किया हुआ है। मान लो अगर ये पानी जो है वो ठंडा है तो इसका टेम्परेचर 1 है, प्रेशर 1 है, कुछ देर बाद जब हम इसे गर्म करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो T2 हो जाता है, प्रेशर जो है वो P2 हो जाता है। तो इतना आप लोगों को समझ आया कि अवस्था परिवर्तन क्या होता है, स्टेट चेंजेस क्या होता है। अभी वो कुछ अलग स्टेट में है, थोड़ी देर बाद वो कुछ अलग स्टेट में चला जाएगा। अगर हम उसमें एक्सटर्नल अपना प्रेशर लगाते हैं या फिर कुछ एक्सटर्नल सोर्स से उसे गर्म करते हैं तो वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला जाएगा। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल सी चीजें बताई है, कुछ भी आप लोगों को कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है या फिर इसे एकदम नोट डाउन भी करने वाली कुछ यहाँ पे बात नहीं है। मैंने आप लोगों को केवल अवस्था के बारे में बताया है। अगर कहीं पे वर्ड आता है तंत्र की अवस्था या फिर सिस्टम का स्टेट तो आप लोग क्या जानना है कि वो कौन से अवस्था में है, मतलब वो गर्म है कि ठंडा है। यहाँ पे तो मैंने खैर बॉटल का पानी लिया हुआ है, और भी दूसरा एग्जांपल आप लोगों को दे दिया जा सकता है, जैसे कि कोई सिलेंडर भी आप लोगों को दे दिया जा सकता है। सिलेंडर के अंदर जो गैस भरा हुआ है उसका प्रेशर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, तो ये सारी चीजें आपका जो है वो अवस्था कहलाता है। तो अगर कहीं पे T1, T2, P1, P2 आता है,
आगे जब हम लोग मैथ्स वगैरह सॉल्व करेंगे इसका, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग इसे समझ जाओ, उसे T1, T2, P1, P2 ऐसा रटो मत। T1 का मतलब होता है कि वो अलग स्टेट में है, अगर T2 लिखा गया तो वो दूसरे स्टेट में है, अगर पानी ठंडा है तो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा, तो ये होता है अवस्था में परिवर्तन। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब हम फाइनली अपने नोट्स की तरफ आते हैं। क्या हम लोग देखने वाले हैं? अवस्था फलन और पथ फलन। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ जिससे आप लोगों को अवस्था फलन और पथ फलन के बारे में आसानी से जो है वो ये जो चीज है वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप लोगों का मान लो ये घर है और ये आपका जो है वो स्कूल है। आप लोगों को अपने घर से जो है वो स्कूल जाना है। दो रास्ते हैं, एक रास्ता जो है वो एकदम सीधा सीधा है, 5 मिनट में आप अपने स्कूल पहुंच जाओगे, लेकिन एक रास्ता जो है वो काफी दूर से घूम फिर के, क्योंकि इधर आपके फ्रेंड लोग भी रहते हैं इस कारण आप काफी दूर से घूम फिर के करके जो है वो स्कूल जाते हो। कहने का मतलब है कि घर से स्कूल जाने के लिए जो है वो आपके पास दो रास्ते हैं, एक जो है वो शॉर्टकट रास्ता है और एक जो है वो लॉन्ग कट रास्ता है। घर में आपके कौन है? मम्मी पापा। और स्कूल में आपके कौन है? टीचर्स हैं। अब अगर आप घर से स्कूल पहुंचते हो, चाहे आप इस रास्ते से पहुंचो चाहे आप लॉन्ग कट रास्ते से पहुंचो, आपके टीचर को कोई मतलब नहीं है कि आप कौन से रास्ते से होकर के आए हो। उसे बस क्या मतलब है कि आप स्कूल में हो कि घर में हो, कितने टाइम आप घर पहुंच गए हो, ये सारी चीजों से उसको जो है वो मतलब है। कहने का मतलब है कि टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इतने लॉन्ग कट रास्ते से आए हो, थकते हुए आए हो, ज्यादा वर्क एफर्ट लगा करके आप स्कूल पहुंचे हो, कि आप शॉर्टकट रास्ते से जो है वो स्कूल पहुंचे हो। उसे बस ये मतलब है कि आप स्कूल में हो कि नहीं हो। इतना हम लोगों को क्लियर हुआ। अब हम आते हैं घर की तरफ। घर में आपके कौन है? मम्मी पापा है। लेकिन आपके मम्मी पापा को आपसे मतलब है कि आप लॉन्ग कट रास्ते से जा रहे हो कि शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हो। हो सकता है आपकी स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए आपके मम्मी पापा पैसा देते होंगे और उनको फर्क तो पड़ेगा ना कि आप ज्यादा पेट्रोल यूज करते हुए, ज्यादा वर्क यूज मतलब ज्यादा एफर्ट लगाते हुए इतने दूर से क्यों जा रहे हो, इतने मतलब शॉर्टकट रास्ते से आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। ये फर्क आपको आपके मम्मी डैडी को पड़ने वाला है, लेकिन आपके टीचर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप लॉन्ग कट रास्ते से आए हो कि शॉर्टकट रास्ते से आए हो। तो टीचर आपके क्या हुए? अवस्था फलन हुए। आपके मम्मी डैडी क्या हुए? पथ फलन हुए। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्टेट फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन को रास्ते से कोई मतलब नहीं है, मतलब पथ से उसे कोई मतलब नहीं है, मार्ग से उसे कोई मतलब नहीं है। अवस्था फलन को मतलब है तो प्रारंभिक अवस्था से और अंतिम अवस्था से। मतलब प्रारंभिक अवस्था इसीलिए कि जो स्टूडेंट है वो घर में है कि स्कूल में है। अवस्था फलन केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर जो है वो डिपेंड करता है। अवस्था फलन जो होता है केवल प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पे जो है वो डिपेंड करता है, मतलब केवल उसे इसी चीज से जो है वो मतलब होता है स्टेट फंक्शन को। लेकिन ये जो पथ फलन होता है, पाथ फंक्शन, उसे इस वर्क से जो है वो मतलब होता है, मतलब उसे रास्ते से मतलब होता है, उसे मार्ग से मतलब होता है, या उसे पाथ से जो है वो फर्क पड़ता है। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है गाइस कि आप लोगों को बस यही समझाना था इस पूरे एग्जाम्पल में कि जो आपका अवस्था फलन होता है उसे केवल अवस्था से जो है वो मतलब होता है कि वो इनिशियल स्टेट में है कि वो फाइनल स्टेट में है, और जो पथ फलन होता है उसे केवल मार्ग से मतलब होता है, मतलब रास्ते से पथ से जो है वो मतलब होता है। आगे जब मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगी तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मैंने होम और स्कूल का एग्जाम्पल लिया हुआ है, समझ लो ये होम और स्कूल आपका बॉटल का पानी है। पानी अभी ठंडा है, कुछ देर बाद पानी गर्म हो जाएगा। अवस्था फलन मतलब स्टेट फंक्शन को कोई मतलब नहीं है कि आप उसे कैसे गर्म किए हो, कितने टेम्परेचर पे गर्म किए हो, कैसे करके गर्म किए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसे केवल मतलब है अवस्था फलन को कि वो कौन सी स्टेट में है, स्टेट 1, स्टेट 2। लेकिन जो आपका पथ फलन होगा, पाथ फंक्शन होगा, उसे मतलब है कि इसमें कितना वर्क यूज हुआ है, कितना उष्मा इसमें लगा हुआ है, ये सारी चीज से पथ फलन को जो है वो मतलब होता है। तो और ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज यहाँ पे मैं नहीं करूंगी, डायरेक्ट मैं आप लोगों को यहाँ आज का जो है वो नोट्स दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से ये समझ में आ जाए। स्टेट फंक्शन का मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताती हूँ, फिर जो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताई हूँ वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। स्टेट फंक्शन का आपको क्या डेफिनेशन लिखना है? वे गुण
जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल अवस्था पर जो है वो निर्भर करते हैं, अवस्था परिवर्तन के लिए अपनाए गए मार्ग पर नहीं। समझ आया आप लोगों को? वे गुण जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर करते हैं, स्टेट वन, स्टेट टू, स्टेट वन मतलब पानी गर्म है कि ठंडा है, स्टेट टू मतलब जैसे कि पानी जो है वो ठंडा है तो स्टेट वन हुआ, पानी अगर गर्म हो गया तो स्टेट टू हो गया। अवस्था फलन केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही जो है वो निर्भर करते हैं। वे गुण जो सिस्टम की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, अवस्था परिवर्तन के लिए अपनाए गए मार्ग पर नहीं। समझ आया आप लोगों को? मैंने बताया था ना कि स्टेट फंक्शन को रास्ते से कोई मतलब नहीं है, उससे केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था से ही मतलब होता है। रास्ते यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रास्ते का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉटल का जो पानी है उसे हम कैसे गर्म कर रहे हैं, कितना हीट उसको दे रहे हैं, उससे उसे कोई मतलब नहीं है, बस उसे इनिशियल और फाइनल स्टेट से ही मतलब होता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? अवस्था फलन, तो क्या क्या एग्जाम्पल है अवस्था फलन के, जैसे कि आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, ये उसका जो है वो चिन्ह है कि आंतरिक ऊर्जा को हम ई से व्यक्त करते हैं, एंट्रोपी को एस से व्यक्त करते हैं, एंथैल्पी को एच से, हीट कैपेसिटी को सीपी से, प्रेशर को पी से, टेम्परेचर को टी से। तो ये हुआ आप लोगों का अवस्था फलन। समझ आया आप लोगों को कि पथ फलन क्या होता है? सिंपल सा ही है, कुछ भी नहीं रखा है। वे गुण जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही निर्भर करते हैं, उसके पाथ पर निर्भर नहीं करते हैं। समझ आया आप लोगों को? दूसरा हम देखते हैं पाथ फंक्शन, मतलब पथ फलन। वे गुण जो सिस्टम की अवस्था परिवर्तन के मार्ग पर निर्भर करते हैं, मतलब ये जो पाथ फंक्शन है आपका, उसको फर्क पड़ता है कि वो कौन से मार्ग, मतलब उसके पथ पाथ पे जो है वो निर्भर करता है। जैसे कि दो एग्जाम्पल है आपके पाथ फंक्शन के, एक ऊष्मा और दूसरा कार्य। कार्य क्यों? कि जैसे पानी जो है वो ठंडा है, अगर हम उसे गर्म करेंगे तो उस पे कितना वर्क लगा हुआ है, पानी को गर्म करने में हमें कितना एनर्जी है, मतलब कितना वर्क हमें लगा, कितना हीट हमको उसको दिए, ये सारा चीज जो है वो पाथ फंक्शन पे जो है वो डिपेंड करता है। और ये सारी चीजें आपके स्टेट फंक्शन या फिर जो अवस्था फलन है उससे कोई मतलब नहीं है कि उस पर कितना वर्क लगा हुआ है, कितना हीट, कितना उष्मा उसको दिया गया था पानी के बॉटल को, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। उसे केवल प्रारंभिक और अंतिम स्टेट से जो है वो मतलब है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही वो निर्भर करते हैं। लेकिन ये जो पाथ फंक्शन है, पथ फलन है, वो जो स्टेट चेंजेस हो रहा है, मतलब पानी का बॉटल ठंडा है, अगर वो गर्म हो रहा है तो हम उसे कैसे गर्म कर रहे हैं, इन चीजों पे वो जो है वो डिपेंड करता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो देखो एग्जांपल में ना ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस बिटवीन करके जो है वो पूछा जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन करके पूछा जाएगा तो पहला अंतर आप लोग क्या लिखोगे? सबसे पहला सोच के देखिए, इतना मैं आप लोगों को समझाई हूँ, बुक में तो आप लोगों को इसका डिफरेंस बिटवीन मिलेगा नहीं, आप लोगों को खुद से बनाना पड़ेगा इसका डिफरेंस बिटवीन। तो सबसे पहला डिफरेंस ये लिखना आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए कि जो स्टेट फंक्शन होता है वो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर करते हैं, जबकि ये जो पाथ फंक्शन है वो केवल अवस्था परिवर्तन के मार्ग पर निर्भर करते हैं। दूसरा अंतर आप ये लिख सकते हो कि जो स्टेट फंक्शन होते हैं, मतलब जो अवस्था फलन होते हैं, वो अवस्था परिवर्तन के लिए अपनाए गए पाथ पर निर्भर नहीं करते हैं। और दूसरा आप ये लिख सकते हो कि जो पाथ फंक्शन होता है वो अवस्था परिवर्तन के मार्ग पर निर्भर करते हैं। तीसरा डिफरेंस आप ये लिख सकते हो कि इसका जो एग्जाम्पल होता है अवस्था फलन का, वो एंट्रोपी, एंथैल्पी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब होता है, जबकि पाथ फंक्शन में केवल दो एग्जाम्पल है, और भी कुछ नहीं है पाथ फंक्शन में। पाथ फंक्शन में केवल ऊष्मा और कार्य है, जिसे ऊष्मा को हम Q से जो है वो व्यक्त करते हैं, कार्य को हम W से जो है वो व्यक्त करते हैं। हम समझते हैं अवस्था फलन और पथ फलन का एग्जाम्पल। इसमें किसी सिस्टम में अवस्था परिवर्तन तीन पथों 1, 2, 3 में जो है वो कराया जाता है। जैसे कि कोई सिस्टम है, जैसे कि ये जो है वो उसका सबसे पहला स्टेट है, मतलब प्रारंभिक अवस्था है, जिसे हम लोगों ने ए नाम दिया हुआ है, और ये उसका जो है वो अंतिम अवस्था है, जिसे हम लोगों ने बी नाम दिया हुआ है।
तो ये तीन पथों पर जो है वो निर्भर करता है, मतलब तीन प्रकार का वर्क इसमें जो है वो हो रहा है, जिसे हम पाथ वन, पाथ टू और पाथ थ्री करके जो है वो प्रदर्शित किए हुए हैं, जिसमें सिस्टम की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था क्रमशः ए और बी है। ए और बी को हम लोगों ने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो है वो नाम दिया हुआ है, मतलब प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि पानी का बॉटल अभी ठंडा है। अंतिम अवस्था मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि पानी का बॉटल जो है वो गर्म हो चुका है, वो स्टेट है ना उसका, पानी के बॉटल का वो अवस्था है। तो जैसे ही करके आप इसे समझोगे। और ये जो है वो उसका वन टू थ्री वो पाथ है। ताप और दाब के मान क्रमशः P1 T1 एवं P2 T2 होंगे। अब जो हमारा पहला स्टेट है, मतलब जो प्रारंभिक अवस्था है, उसका टेम्परेचर क्या है T1 और प्रेशर क्या है P1। लेकिन जो हमारा अंतिम अवस्था है उसका टेम्परेचर क्या हो गया T2 और उसका प्रेशर क्या हो गया P2। T1 T2 क्यों हुआ समझ आया आप लोगों को? क्योंकि वो अलग अलग अवस्था में है, इसलिए हम लोगों ने उसका जो है वो नाम दिया हुआ है। मान लो अगर पानी का बॉटल ठंडा है तो उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, तो हम लोगों ने माना T1, और अगर पानी का बॉटल गर्म हो चुका है तो उसका टेम्परेचर अलग होगा, तो माना T2। अब हम देखते हैं कि ए से बी में जाने पर क्या परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है, तो हम चेंजेस को जो है वो कैसे दर्शाएंगे। तो इसे हम करने के लिए डेल्टा पी इक्वल P1 P2 और डेल्टा टी इक्वल T1 T2, इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि उसमें कितना परिवर्तन हुआ है। जैसे मान लो पानी का बॉटल, पानी है वो पहले ठंडा है, उसका टेम्परेचर जो है वो अलग है, पानी तो है गर्म हुआ उसका टेम्परेचर अलग है, दोनों के टेम्परेचर को हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि उसमें कितना चेंजेस हुआ है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये क्या है, P1 जो प्रेशर और टेम्परेचर होते हैं वो स्टेट फंक्शन है, वो अवस्था फलन है, और जो वर्क यहाँ पे लगा हुआ है वो पाथ फंक्शन है। तो अगर हमें प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में जानना है, इसके चेंजेस के बारे में, तो हमें इसके पाथ से कोई मतलब नहीं है कि इसको कितने टेम्परेचर पे हम गर्म किए हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे कितना वर्क लिया गया है। हमें मतलब है कि अभी एक्चुअल में इस पानी का टेम्परेचर जो है वो कितना है। तो ये हुआ गाइज आपका आज का टॉपिक, अवस्था फलन और पथ फलन। थोड़ा कंफ्यूज आप हो सकते हो इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एक बार और आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। इसको रटिएगा मत, क्योंकि रटोगे तो एग्जाम में भूलने के चांसेस है। वो घर और जो स्कूल वाला एग्जाम्पल दिया है उसे आप, अगर आपको याद आता है तो आप इसे आसानी से जो है वो लिख सकते हो। पूरे वीडियो में कुछ भी नहीं रखा है, बस जो स्टेट फंक्शन है वो आप लोगों को इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, और जो पाथ फंक्शन है वो उसके पाथ पे डिपेंड करेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।